हाँ तो दोस्तों, आज आपका स्वागत है कौन बनेगा जल प्रहरी में अर्जुन सिंह सिंधव के साथ में। आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, 1 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने वो है भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस देश की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो पहला प्रश्न है चिकित्सक दिवस के बारे में, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शन है दोस्तों, कौन कौन से हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर सतीश चंद्र, डॉक्टर विधान चंद्र राय और डॉक्टर सारंगी जी। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो है सही ऑप्शन है दोस्तों, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। अब मैं आपको बता दूँ कि ये काफ़ी जाने माने चिकित्सक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी मिलने के बाद में इन्होंने अपना पूरा जीवन डॉक्टर के रूप में बिता दिया। यही कारण है कि इनकी जयंती पर 1991 से 1991 से चिकित्सक दिवस की शुरुआत हुई है। अब आपको मैंने इससे पहले बताया था कब मनाया जाता है चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। 1991 में शुरुआत हुई थी और इनको 1961 में भारत रत्न भी मिला था। ध्यान रखिएगा कब मिला था भारत रत्न, 1961 में, और 1962 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती के उपलक्ष में हर साल 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, भूलिएगा मत। और इनको भारत रत्न भी मिला था, स्वतंत्रता सेनानी प्लस चिकित्सक प्लस समाज सेवक थे जिन्होंने कई लोगों का इलाज फ्री में करा, बस उन्हीं की जयंती पर चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। हरगोविंद खुराना जी का तो आपने नाम सुना ही होगा, सतीश चंद्र जी का भी नाम सुना होगा, दोनों ही साइंटिस्ट हैं, विज्ञान में काफ़ी इनका नाम फेमस है। ठीक है, तो अब ऐसे कुछ और लोगों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जिनकी जयंती को मनाया जाता है अलग अलग दिनों के रूप में। जी, सबसे पहला आता है साइंस डे। दूसरे नंबर पर आता है बाल दिवस। तीसरे नंबर पर आता है शिक्षक दिवस। फिर आता है खेल दिवस। दिवस मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, खेल दिवस हो गया, शिक्षक दिवस हो गया, बाल दिवस हो गया, साइंस डे हो गया और युवा दिवस। युवा दिवस, साइंस डे को विज्ञान दिवस लिखते हैं हम, विज्ञान दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस। अब पहले तो हम इनकी तारीख याद कर लें, क्योंकि तारीख पूछी जा सकती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर पूछा जाता है कि कब कौन सा दिवस मनाया जाता है, पहली बात। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किस दिवस को किस नेता की जयंती के नाम से मनाया जाता है। तो हमें सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल अप टू डेट याद होनी चाहिए। कौन सा प्रश्न कब बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको सारी चीज़ें बाय हार्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि बाय हार्ट पता होगी तो एग्जाम में कब कौन सा प्रश्न बन जाता है, कहाँ से बन जाता है, टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़े हुए रहते हैं। पर क्या होता है, बच्चों को समय हम रिकॉल नहीं कर पाते, हमें याद नहीं आता, वो हमारे दिमाग में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए आप इन चीज़ों को या तो कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करें और याद करें, या फिर बाय हार्ट याद करें, इतना ज़्यादा रट्टा मार दे कि जैसे ही ऑप्शन हमें दिखाई दे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होती है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है, जहाँ पर ऑप्शन रहते हैं, बस ऑप्शन देखकर ही हमें याद आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले विज्ञान दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 28 फरवरी को। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 28 फरवरी पे
फरवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। अब ये बाल दिवस का क्या है कि जो बच्चे हैं जब तक स्कूल में पढ़ते हैं बड़ी आसानी से याद हो जाता है, पर जैसे ही बाकी चीज़ों में दिमाग लगता है, अभी आपको लगता है बाल दिवस तो आसानी से याद रहता है यार, हमें तो याद ही रहता है, पर धीरे 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 आप बड़े होते जाएंगे फिर आप कन्फ्यूज़ होने लग जाएंगे डेट के बारे में। ठीक है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को। और युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अब जो विज्ञान दिवस है वो किसकी याद में? सीवी रमन। बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर कहा जाता था इनको, और ये ग्वालियर के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद जो है वो ग्वालियर के हैं, नहीं ग्वालियर से रूप सिंह जी है ना, कैप्टन रूप सिंह जी, और जो ध्यानचंद जी हैं मध्य प्रदेश के ही हैं पर शायद ग्वालियर के नहीं है, ग्वालियर के रूप सिंह जी हैं। युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद। जी की जयंती पे तो ये कुछ दिवस थे, और ये उन लोगों का नाम जिनकी जयंती पर ये दिवस मनाए जाते हैं, और ये रही डेट दोस्तों। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करा था कि जो चिकित्सक दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की। ठीक है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सीवी रमन जी की जयंती पर, काफ़ी बड़े वैज्ञानिक थे ये, इन्होंने रमन प्रभाव दिया था। ठीक, ये भी आ सकता है रमन प्रभाव किसके द्वारा दिया गया था? सीवी रमन के द्वारा। बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू की जयंती में मनाया जाता है, उनको बच्चों से बड़ा प्रेम था। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती में मनाया जाता है, क्योंकि शुरुआत में ये शिक्षक थे, बाद में ये उपराष्ट्रपति बने, तो इनकी दिली हसरत थी कि इनकी जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर जयंती के ऊपर मनाया जाता है, क्योंकि ये हॉकी के जादूगर थे और इन्हीं की वजह से भारत ओलंपिक में और हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था। फिर युवा दिवस कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी युवा लोगों के पसंदीदा थे और काफ़ी इनके जो भाषण थे उससे युवा प्रेरित होते हैं, और योग वोग भी इनके द्वारा ही दिया गया था, योग के बारे में भी यही बताते थे, योग काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला जो प्रश्न है आपके सामने आ रहा है देवियों एंड सज्जनों, वो है भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की बैठक को अधिवेशन में आयोजित किया गया था। कौन कौन सा अधिवेशन? फेजपुरी, कलकत्ता, बॉम्बे और त्रिपुरी। ज़्यादातर अधिवेशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, शायद हमने जो पहला पेपर डिस्कस करा था उसमें हमने ज़्यादातर अधिवेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, कुछ अधिवेशन छूट गए थे जिनके बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई थी बॉम्बे अधिवेशन से। 4 महत्वपूर्ण आंदोलन हुए भारत में, पहले आंदोलन की हम बात करते हैं। सबसे पहला आंदोलन जो हुआ था वो था स्वदेशी आंदोलन, दूसरे नंबर पे असहयोग आंदोलन, तीसरे नंबर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जो तीसरा है वो भारत छोड़ो आंदोलन।
कब कब हुए थे? तो स्वदेशी आंदोलन 1906 में, ईयर भी पूछे जा सकते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। दोस्तों अब कौन कौन से सेशन में ये आए? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो पारित करा गया था कलकत्ता अधिवेशन में, असहयोग आंदोलन जो पास हुआ था वो हुआ था दोस्तों सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो था दोस्तों वो कलकत्ता, और भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो था बंबई। ठीक है, तो ये चार अधिवेशन हुए। कलकत्ता 1906 में प्रस्ताव पारित करा गया था, नागपुर वाला जो था वो 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1928 में पास हुआ था प्रस्ताव इसका, और जो बंबई में था ये 8 अगस्त, तारीख याद रखिएगा इसकी, 8 अगस्त 1942 को अगस्त। तो ये चार महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए थे भारत में, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन जो है और सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों आंदोलन के रचयिता कौन थे? महात्मा गांधी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उस समय बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष वो मुख्य नेता थे कांग्रेस के। अब इन चारों आंदोलनों की खासियतें क्या है ये भी हम बात कर लेते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन कब लाया गया था दोस्तों? बंगाल पार्टीशन के कारण, कि बंगाल का जब विभाजन हुआ तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करा था। क्या उसका लॉजिक था, मेन क्या कारण था बंगाल का विभाजन करने के पीछे? उसका ऐसा मानना था कि बंगाल राज्य काफ़ी बड़ा हो जाता है और एक लेफ्टिनेंट उस पर आसानी से रूल नहीं कर पा रहा है, राज नहीं कर पा रहा, इसलिए बंगाल को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए। इसका उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। अब शुरुआत में लोगों को ये लगा कि बंगाल का विभाजन वास्तव में ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज पे या प्रशासनिक रूप से कर रहा है, पर जैसे ही बंगाल का बंटवारा हुआ, बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी ज़्यादा थी। भारतीय लोगों को दो मिनट नहीं लगे समझने में कि ये जो बंटवारा है ये प्रशासनिक रूप से ना होते हुए धार्मिक रूप से हुआ है, और कहीं ना कहीं लॉर्ड कर्जन जो बंगाल से उठने वाले आंदोलन उनको दबाना चाहता है, इसीलिए ये बंटवारा किया गया। बस क्या था, उसके खिलाफ आंदोलन स्टार्ट हुए, जगह जगह पर कर्फ्यू लगाया गया, हड़तालें हुई, पिकेटिंग हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिससे अंग्रेजों को परेशान होना पड़ा है, उन पर दबाव बनाया गया ताकि वो बंगाल पार्टीशन या जो बंगाल का विभाजन है वापस ले लिया। हालांकि वो मानने से तैयार थे नहीं और उन्होंने वापस नहीं लिया। बस 1906 में कलकत्ता में वंदे मातरम गाया गया। ये भी पूछा जाता है कि वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था वंदे मातरम, और उसी से इस अधिवेशन की शुरुआत हुई और स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया गया, जिसमें यूथ स्वदेशी या स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया गया था। बस देश भर में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन कब पास हुआ था दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था नागपुर के सेशन में 1920 में रखा गया था। ठीक है, तीन कारण थे इस आंदोलन को लाने के लिए। जिस प्रकार स्वदेशी आंदोलन जो लाया गया था वो बंगाल के विभाजन के खिलाफ लाया गया था, इसका जो मेन कारण था वो तीन कारण थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, कुछ लोग बैसाखी के दिन मेला देखने के लिए गए थे, वहीं पर कुछ लोग शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे थे। जनरल डायर को जब ये बात पता चली तो उसने अपनी आर्मी के साथ में जाकर वहां पर बगैर किसी जानकारी के अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी। 10 मिनट तक गोलियां चली, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीबन 100 लोगों की जान गई और 1200 लोग घायल थे, पर वास्तव में उससे कहीं गुना ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उसके खिलाफ। दूसरा जो था रोलेट एक्ट, क्योंकि इससे पहले सरकार ने एक ऐसा एक्ट पास करा था खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत आंदोलन को दबाने के लिए, जिसमें ऐसा डिसाइड करा गया था कि सरकार को अगर लगता है किसी भी इंसान से सरकार को खतरा है तो उसको बगैर किसी वारंट के या FIR के जेल में डाला जा सकता है, ये निर्णय लिया गया था उसके खिलाफ। और तीसरा जो था सेल्फ रूल, क्योंकि
प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उसमें गांधी जी और बाकी नेताओं से अंग्रेजों ने इस प्रकार का वचन लिया था कि आप अगर हमारी मदद करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में अगर अंग्रेज लोग जीत जाते हैं तो भारत की आज़ादी के प्रति जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा, पर उससे सरासर मुकर गए। बस तो इन्हीं तीनों वादा खिलाफ या इन तीनों निर्णयों के खिलाफ अपने इंडिया में असहयोग आंदोलन चलाया गया, 1920 में स्टार्ट करा गया। खत्म कब हुआ था? चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से, चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया था इस कारण इसको, इस आंदोलन को वापस ले लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब था? तो गांधी इरविन पैक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, गांधी जी और इरविन के बीच में कुछ समझौते हुए थे, महात्मा गांधी ने इरविन के सामने 11 शर्तें रखी थी, उन शर्तों को अगर नहीं माना जाएगा तो आंदोलन स्टार्ट करा जाएगा, महात्मा गांधी की डिमांड थी। इरविन उन शर्तों को नहीं मान सका, आखिर में दांडी मार्च करा गया महात्मा गांधी के द्वारा। दांडी मार्च कब स्टार्ट कराया वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में दांडी मार्च करा गया था, 240 मील की दूरी गांधी जी ने तय करी थी, अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचे थे और वहां पर जाकर नमक बनाकर उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करा था। इसका मतलब था शांतिपूर्वक तरीके से अंग्रेजों की बात नहीं मानना। जगह जगह पर भारत के लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से कानून तोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया। ये आंदोलन भी कुछ समय बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ और समझौते की वजह से, गोलमेज सम्मेलन होने की वजह से फेल हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब पास हुआ था? तो 8 अगस्त की रात को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करा गया था। इसमें नारा क्या दिया गया था महात्मा गांधी ने? भारत छोड़ो या करो या मरो, ये नारे दिए गए थे। अगले ही सुबह 9 अगस्त को जो बड़े बड़े नेता थे उनको अरेस्ट कर लिए गए। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, पूछी जाती है। अब हम बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है पैनल पे, गौर कर देखिए। कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायनों का छिड़काव किया जाता है? विज्ञान का प्रश्न है, पर सामान्य विज्ञान के अलावा सामान्य अध्ययन में भी आ सकता है, हालांकि बच्चों के लिए डिफिकल्ट बन जाता है, उन बच्चों के लिए जो सामाजिक विज्ञान में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और विज्ञान में कम। ठीक है, तो सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड, जो आंसर है वो है सिल्वर आयोडाइड, कि इसका प्रयोग करा जाता है दोस्तों कृत्रिम बारिश करने के लिए, कि जब बारिश सामान्य रूप से नहीं होती है और चाहते हैं कि कृत्रिम बादल बनाए जाए और उससे बादल से बारिश करवाई जाए, तब सिल्वर आयोडाइड के सिलेंडर का इस्तेमाल करा जाता है। इससे पहले कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं, फिर उनको ठंडा कर बूंद बनवाई जाती है और उनको जमीन और धरातल पर गिरवाई जाती है। तो ये पूरी प्रोसीजर होती है और वैज्ञानिक तरीका है, हालांकि मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं भी वैज्ञानिक तो हूँ नहीं कैसे बारिश होती है, वरना मैं अपने खेतों में बारिश कर लेता। अभी पिछले कुछ समय पहले सोयाबीन खराब हुई कम बारिश की वजह से, तो ओबियसली आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग, पर फिर भी सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। कुछ और गैसें हैं जिनसे संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं, जैसे सबसे पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका काफी जिक्र होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भूलिएगा मत। जिस प्रकार नागिन अपनी आंखों में फोटो खींच लेती है उसी प्रकार आप भी फोटो खींच लीजिएगा इन प्रश्न के उत्तरों का, यकीन मानिए आपके 70-80% जो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न है वो यहीं सोल्व हो जाएंगे। अगर आपने कुछ लेक्चर्स जो पुराने साल के पेपर हैं जिनको हमने सोल्व कराया वो अगर आपने देख लिया तो आपकी समस्या लगभग खत्म हो जाएगी, आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित और बाकी किताबें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, फिर क्लोरोफ्लोरो के बाद में अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न जो पूछा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, और फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या इस्तेमाल होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर ऐसा आ सकता है कौन सी गैस की अधिकता की वजह से ओजोन लेयर में या ओजोन परत में छेद हो रहा है, तो दोस्तों है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत में क्षति, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, ज्यादातर सांस लेने की समस्या होती है। सांस लेने में समस्या, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान में
उपवृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग। तो इन तीन गैसों का नाम याद रखिएगा, भूलिएगा मत, इन तीन गैसों से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। हालांकि प्रश्न ये भी आ सकता है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, क्योंकि हम वायुमंडल में रहते हैं, इन्हीं गैसों का हम प्रयोग करते हैं और उन्हीं के आधार पर हम जीवन जी पाते हैं। ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो जीवन संभव हो पाया है वो दो ही चीज़ों की वजह से हो पाया है, एक तो वायुमंडल और एक जलमंडल। अगर इन दोनों की गैर मौजूदगी होती या दोनों मौजूद नहीं होते तो कहीं ना कहीं आई थिंक जीव संभव हो नहीं पाता। तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, कितनी मात्रा में पाई जाती है, देखिए सबसे पहले आता है नाइट्रोजन की बारी, नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पर जो पाई जाती है ऑर्गन, और फोर्थ नंबर पे कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, ये गैस पाई जाती है। अब नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 78%, भूलिएगा मत दोस्तों, ठीक है। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, 21%। ऑर्गन कितनी पाई जाती है, 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है, 0.03%। उसके अलावा बाकी गैसेस भी पाई जाती है पर वो नगण्य होती है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, नेग्लिजिबल होती है, उनको आप देख नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे और उनका जिक्र कम ही होता है, ठीक है। तो ये गैसेस पाई जाती है, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। तो गैसेस से संबंधित आई थिंक जो भी प्रश्न बनेंगे वो हमारे कवर हो चुके हैं, इससे बाहर जो गैसेस से संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, इंसान जी नहीं पाता, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, और ऐसे प्रश्न आएंगे। तो फोर्थ प्रश्न हमारा दोस्तों आपके सामने डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा है, आप तैयार रहिए अपने हॉट स्पीड के हॉट सीट के साथ में। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP योजना द्वारा शुरू की गई थी, भाई किसके द्वारा योजना स्टार्ट करी गई थी, देखिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, या ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, या पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो आंसर इसका दोस्तों है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा स्कीम स्टार्ट करी गई थी। कब स्टार्ट करी गई थी, ये 2013 में स्टार्ट करी गई थी। इसका मेन लक्ष्य क्या था कि गांवों से रहकर शहरों में रहने वाली जो आबादी है उसको नल जल योजना अवेलेबल करवाना, या पीने का जो पानी है स्वच्छ पीने का पानी वो उपलब्ध करवाना, ठीक है। अब बाकी देख लेते हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की कौन सी योजना चल रही है, तो इनकी योजना है शहरी वन योजना, इस योजना का क्या लक्ष्य है दोस्तों, इस योजना का मुख्य जो लक्ष्य है वो ये है कि शहरों में जहां पर भी खाली भूमि है उसमें वनों का विकास किया जाए, ठीक। अगला जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इनके द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही थी, इनके द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उच्चतर आविष्कार योजना, और लास्ट बचती ग्रामीण विकास मंत्रालय, इनके द्वारा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्या है दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव भी आप सुन लीजिए, इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को शहरों से जोड़ना, 12 मासिक सड़कों का निर्माण करना, ठीक है। शहरी वन योजना में आपको बताई चुका हूं, उच्चतर आविष्कार योजना जो है वो विद्यार्थियों से संबंधित है, और 2013 जो पीने का पानी उपलब्ध करवाना, ये फोर्थ योजना थी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में से एक की स्थापना को मंजूरी दी है, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल, तो कौन सा है, इसका आंसर है दोस्तों भोपाल, ठीक है। भोपाल में मंजूरी दी गई है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की। भारत में 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान प्रस्तावित है, कहां कहां पर प्रस्तावित है, तो पहला जो है वह अमरावती में,
दूसरा जो है वो है कुरुक्षेत्र में, तीसरा जो है जोरहट, और फोर्थ जो है भोपाल। तो ये चार प्रस्तावित है, कौन कौन से, अमरावती कहां है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है प्रस्तावित, ध्यान रखिएगा। कुरुक्षेत्र कहां है, हरियाणा में है। जोरहट कहां पर है, आसाम में। और तीसरा भोपाल कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये चार जगह है जहां पर क्या होना है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित होने हैं। अब जो राष्ट्रीय डिजाइन एक्ट कब आया था, ये प्रश्न ना पूछ लिया जाए तो हम पहले से तैयार रहे। अगर कोई सा प्रश्न पूछा गया है तो हम तैयार रहें और हम पहले से भविष्य की तैयारियां कर लें। तो ये कब आया था, 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस एक्ट को पास करा था, और उस एक्ट के हिसाब से अमरावती, कुरुक्षेत्र, जोरहाट और भोपाल, ये चार जगह है जहां पर डिजाइन संस्थान खोले जाएंगे। अमरावती प्रस्तावित राजधानी आंध्र प्रदेश की, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, जोरहाट जिला वही जिला है जहां पर माजुली द्वीप हुआ करता था, और भोपाल हमारे राज्य की राजधानी। तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बढ़ता चला। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। देवियों एंड सज्जनों, आपके डेस्कटॉप पे आपको दिखाई दे रहा अगला प्रश्न जो है 5 करोड़ के लिए। 5 करोड़ तो आपको मिलेंगे नहीं, पर अगर जेल प्रहरी आप बन गए तो यकीन मानिए आपका फ्यूचर सेट है। तो मध्य प्रदेश के रीलो जनजाति गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं, मारिया, गोंड, भील और भारिया। ठीक है, तो इसका आंसर है मारिया। मारिया जनजाति पहाड़ों में रहती है और हिंदू देवी देवताओं को पूजती है, और ये जो गाना है उनका कौन सा गीत, वो रीलो जनजातीय गीत गाया जाता है। अब जनजातियों से संबंधित भी काफ़ी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और जेल प्रहरी से लेकर सब इंस्पेक्टर और MPPSC, UPSC और देयर आर मेनी एग्जाम्स जहां पर पूछा जाता है प्रश्न। 2 या 3 प्रश्न तो मुझे ही ध्यान है कि मैं अलग अलग एग्जामों में फेस कर चुका हूं। ठीक है, तो हम यहां पर जनजाति लिख लेते हैं, कौन कौन सी जनजाति भारत में पाई जाती है और वो कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, खास खास जनजाति की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर से चलते हैं, तो यहां पर पाई जाती जनजाति दोस्तों बकरवाल, फिर आती है बारी गद्दी की, फिर आते हैं भोतिया, फिर आते हैं संथाल, फिर मोपला, फिर भील, फिर गोंड, फिर मुंडा, फिर नामचा, फिर नागा, फिर गारो, खासी, जयंता। ये तीनों अलग अलग जनजातियां हैं जो एक ही जगह पर पाई जाती है। और कौन से छूटे क्या? मीणा, मीणा ऐसे लिखा जाएगा वैसे। पहले राज्य लिख लेते हैं। बकरवाल कहां पाए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा। गद्दी कहां पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। भोतिया कहां पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। ये भी आपने पढ़ा होगा, वो भी 10th क्लास के उसी चैप्टर में, क्योंकि ये घुमंतु प्रजातियां हैं जो अपने जानवरों को चारा ढूंढने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ठीक है, अब अगला
संथाल कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो संथाल पाए जाते हैं, याद आता है अभी देख लेते हैं, केरल में मोपला पाए जाते हैं, भील पाए जाते हैं गुजरात में, हालांकि मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं ये, ठीक है, गोंड मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में गोंड के साथ में भील भी पाए जाते हैं। मुंडा कहाँ पाया जाता है, जो मुंडा सॉरी मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। नामचा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? नामचा जनजाति कहाँ पाई जाती है? यार मेरी जो जुबान है वो क्यों फिसल रही है? सिक्किम में। नागा जो जनजाति वो पाई जाती है नागालैंड में। गोरा खासी जयंता जनजाति पाई जाती है मेघालय में। त्रिपुरी जनजाति त्रिपुरा में। मिजो मिजोरम में। और संथाल जो पाई जाती है वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, और आखिरी जो है मीणा वो पाई जाती है दोस्तों राजस्थान में। तो ये कुछ जनजातियां हैं जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों यहां से, और छूट होनी नहीं, मतलब चूक होनी नहीं चाहिए।